हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, फिर से लेकर आ चुके हैं पटना गैटडोई 4 लाइन का अपडेट। तो यहां पे देख सकते हैं, अभी हम पहुंचे हैं मोहली एलिवेटेड रोड के ऊपर, जस्ट ऊपर में बनाया जा रहा रेलवे लाइन के ऊपर। यहां पे देख सकते हैं इस रैम्प पे आ चुके हैं, जो कि नथुपुर गोलम्बर से होते हुए पटना गैटडोई जाने के लिए यहाँ पे एक मोहली के ऊपर रेलवे लाइन के ऊपर यहाँ पे एक रैंप बनाया गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सामने में इस रैंप को कनेक्ट किया गया है पुनपुन वाले रोड में, पुनपुन वाले 4 लाइन में कनेक्ट किया गया है। पुनपुन होते हुए, डुमरी होते हुए, मसौड़ी होते हुए, जहानाबाद होते हुए गया जाएगी। तो आज इसी का अपडेट देने वाला है। तो पहला अपडेट दिए थे जो कि नथुपुर से लेकर यहाँ पे मोहली एलिवेटेड, जो कि रेलवे लाइन के ऊपर रैंप के पास तक अपडेट दिए। तो आज सेकेंड अपडेट देने वाला है, जो कि रैंप से लेकर डुमरी जंक्शन तक का अपडेट देने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं रैंप से नीचे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 लाइन है और यहाँ पे पुनपुन वाले रोड है। यहाँ पे मोहली के जस्ट पीछे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इस 4 लाइन को दोनों तरफ चौड़ा किया जा रहा है। इस तरफ 4 लाइन कम्प्लीट हो चुका है और 2 लाइन इस तरफ से, 2 लाइन उस तरफ से, 8 लाइन इसको बनाया जा रहा है, जो कि आप फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं। रोड को काफ़ी चौड़ा किया गया है, इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में भी चौड़ा किया जा रहा है और राइट साइड में भी रोड को चौड़ा किया जा रहा है। तो आगे में देख सकते हैं यहाँ पे सारा मशीन ये सब लगा हुआ है। जैसे तो इसी तरह से हम रोड का रिलेटेड वीडियो यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल कर ले। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने पे यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में रेलिंग किया गया है, और यहाँ पे रेलिंग करने के बाद यहाँ पर पिचिंग किया जा बराबर किया जाएगा अच्छे से एक लेवल में, उसके बाद यहाँ पर पिचिंग कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 लाइन इस तरफ होगा और 2 लाइन इस तरफ होगा, 4 लाइन इस तरफ और 4 लाइन उस तरफ, जो कि 8 लाइन, जो कि मोहली से लेकर पुनपुन तक इस रोड को 8 लाइन किया जा रहा है। जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिट्टी को काफ़ी अभी चौला मात्रा में भरा जा रहा है। और आगे हम लेकर चलकर दिखाते हैं पुनपुन का क्या काम को आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मशीन ये सब लगा हुआ है यहाँ पे बराबर करने वाला। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में भी नाला बनाने का काम किया जा रहा है, फिलहाल साइड में नाला बनाने का काम कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर रेड स्टोन ये सब भर दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पिचिंग ये सब का काम किया जाएगा। और बीच में यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ 2 लाइन इस तरफ कंप्लीट है और 2 लाइन उस तरफ कंप्लीट है, जो कि पटना से लेकर गया तक 4 लाइन का काम अभी कंप्लीट हो चुका है। और मोहली से लेकर पुनपुन तक यहाँ पे 8 लाइन किया जाएगा, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं इस तरफ। और देख सकते हैं इधर पटना गया डोई 4 लाइन के बीच में यहाँ पे देख सकते डिवाइडर ये सबको सारा कर कंप्लीट कर दिया गया है। और रोड ये सबको देख सकते हैं यहाँ पे रोड ये सबको भी अच्छे से कंप्लीट कर दिया गया और सिर्फ रेलिंग करने का काम बचा हुआ है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं पुनपुन, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पुनपुन से थोड़ा सा हम पहले हम लोग पहुँच चुके हैं। और इस तरफ देख सकते हैं यहाँ से रेलिंग का काम कंप्लीट कर दिया गया, इस तरफ रेलिंग का काम, क्योंकि आगे में पुनपुन नदी है, इसी के कारण यहाँ पे यहाँ से रेलिंग का काम कंप्लीट किया गया है, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। और इस तरफ रेलिंग का काम कंप्लीट कर दिया गया और राइट साइड में रेलिंग का काम कंप्लीट कर दिया गया और डिवाइडर ये सब सारा को कलर कर दिया गया अच्छे से। और आगे में काम चल रहा है, इसके कारण यहाँ पे लिखा हुआ है धीरे चले। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ओवर ब्रिज है और ओवर ब्रिज से आगे भी चलकर दिखाने वाला, देख सकते हैं सारा रेलिंग का काम कम्प्लीट है, बस यहाँ पर लाइट का काम बचा हुआ है। और फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं लाइट का काम बचा हुआ, बाकी सारा काम यहाँ पे कंप्लीट है, लगभग लगभग सारा काम कंप्लीट है, रेलिंग ये सब का भी सारा काम कंप्लीट है और यहाँ पे लाइट का ही काम जो बचा हुआ है। तो अभी हम पहुँचने वाला है जो कि पुनपुन नदी के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल आगे में चल रहे हैं पुनपुन नदी के पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेलिंग ये सब का सारा काम कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर से एक लेफ्ट साइड में एक रास्ता जाता है। और आगे में चलिए हम लेकर चलते हैं, दिखाते हैं क्या काम को आगे बढ़ाया गया और क्या काम बचा पटना गैटडोई 4 लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पुनपुन नदी के ऊपर। तो पुनपुन नदी के ऊपर भी देख सकते हैं रोड को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है। और देख सकते हैं इधर दोनों साइड में डिवाइडर ये सब भी कर कंप्लीट कर दिया गया और रेलिंग ये सब भी अच्छे से कर कंप्लीट कर दिया गया। और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ देख सकते हैं रेलिंग का काम नहीं किया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे इस तरफ में ब्लॉक है और इस तरफ में चला जाता है SMD कॉलेज। और आगे हम लेकर चलकर दिखाते हैं जो कि पटना गैटडोई 4 लाइन से लेकर यहाँ पे हम
डुमरी जंक्शन तक का अपडेट देने वाले हैं फिलहाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइडर ये सब को भी अच्छे से कंप्लीट कर दिया गया, सिर्फ यहाँ पे रेलिंग का काम बचा हुआ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने पे यहाँ रेलिंग का भी काम किया गया है, सिर्फ लाइट का ही काम जो कि बचा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइडर के बगल में यहाँ पे कैमरा भी लगा दिया गया है, जो कि चालान काटने वाला कैमरा है। और आगे लेकर चलकर हम दिखाते हैं जो कि कितना काम आगे हो चुका है और कितना काम बचा हुआ। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, हम मिलते हैं वीडियो को लास्ट में। देख सकते हैं यहाँ पे इस रैंप से आगे बढ़ने पे यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पटना गेट हुई फोर लाइन के ऊपर यहाँ पे रेलिंग का भी काम कंप्लीट कर दिया गया और डिवाइडर ये सब का सारा काम को कंप्लीट कर अच्छे से कंप्लीट कर दिया गया है। और इसके ऊपर जो भी काम बचा हुआ जो कि लाइट ये सब लगाने का काम बचा हुआ देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे डिवाइडर ये सब को सारे को अच्छे से कर कंप्लीट कर दिया गया है। और यहाँ पे जो भी काम बचा हुआ सिर्फ रेलिंग का भी काम कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। जो काम बचा हुआ जो कि लाइट का काम बचा हुआ, रात को दिक्कत होता है यहाँ पे चलने में, जो कि लाइट का दोनों तरफ से गाड़ी अप डाउन करती है, एक रूट में आने का भी और जाने का भी दोनों साइड का यहाँ पे अप डाउन किया जाता है। इसी कारण यहाँ पे लाइट का व्यवस्था यहाँ पे फिलहाल नहीं किया गया, जो कि लाइट का काम यहाँ पे जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते थोड़ा सा आगे बढ़ने पे यहाँ पे रेलिंग का भी काम स्टार्ट नहीं किया गया है। और आगे में देख सकते जो कि आरओवी है, जो कि आगे में रेलवे लाइन के ऊपर में भी ओवरब्रिज है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये रोड चला जाता है दनियामा से होते हुए चला जाता है बिहटा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही है डुमरी जंक्शन। तो यहाँ तक का फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक का अपडेट रहेगा। और पार्ट थ्री में जो कि यहाँ से जो कि डुमरी से लेकर जहानाबाद तक का अपडेट होने वाला है पार्ट थ्री वीडियो में, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल। तो हमारे वीडियो पे न्यू है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में होने वाला जो कि डुमरी जंक्शन से लेके जहानाबाद तक अपडेट होने वाला, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।